Already possibly. is yes, Your Lordship. Who are you? Uh, your Lordship, we are uh, candidates who have been qualified as VAD. Lordship, uh as yes, lordship, you lordship, like we, we have the so candidate. July. July. we we'll have uh, thought. Third, third week of July. We've reserved the judgment. Yes, your So we'll have it in July. How do of July. Third week, of July. week of July The Lordship's most gracious permission. one mm page -hmm. Uh, the only problem is that uh, reserve the judgment Rajasthan TAT, uh, has conducted the second out of examination and the results are uh, to be announced. We, in, we'll see it when it comes, Your uh, Lordship. If the results will be published, uh, then we'll see. Then we'll see. <laughs> then we'll see. <laughs> in item 57, may I only pray for lots liberty which matters have granted uh, me to approach High Court Lord's to the court concern. Liberty. Liberty no. hmm. बी एड को लेकर जो टिप्पणी की है कल जो सुनवाई हुई उसमें इनकी टिप्पणी को आपने सुना है जज साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि इस मामले को जुलाई के तीसरे सप्ताह के लिए लिस्ट कर दिया जाए कुछ लोगों के मन में ये गलत फहमी हो गई है या फिर कुछ यूट्यूबर्स ने ही ये गलत उड़ा दी है कि बी का फैसला जुलाई के तीसरे सप्ताह में आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बी का फैसला जुलाई के तीसरे सप्ताह में आएगा बल्कि संभावना बस रह सकती है कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक आने की क्योंकि ये पूरा मामला है राजस्थान से जुड़ा हुआ है राजस्थान में आप लोग को पता होगा कि रीट की परीक्षा का जब रिजल्ट है उस रिजल्ट को लेकर बी के कहीं कुछ अभ्यर्थियों ने स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से याचिका दायर की इस याचिका की सुनवाई करते हुए जज साहब ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमने तो इस मामले पर पहले ही फैसला रिजर्व रख लिया है और फैसला रिजर्व रख लिया है तो इस मामले की सुनवाई हम लोग जुलाई के तीसरे सप्ताह में करेंगे इसी बीच राजस्थान से जो बीएड के साथी हैं उनकी वकील साहिबा यह तर्क भी देती हैं जज साहब के सामने कि इस समय तक अगर रिजल्ट पब्लिश हो गया तो क्या करेंगे जज साहब स्पष्ट रूप से दोनों जज साहब आप देख रहे हैं जज ज़, हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस और दूसरे हैं जस्टिस सुधांशु धुलिया दोनों जज साहब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि अगर रिजल्ट पब्लिश हो जाता है और हमारा फैसला अगर ये बोल नहीं रहे हैं लेकिन इनके बोलने में ये छुपा हुआ जो कि आप लोगों को खुद से समझना हो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बात को कहते हुए जज साहब कहते हैं कि हम इस बात को ध्यान में रखेंगे फैसला देते समय कि अगर बीच में रिजल्ट भी आ जाता है तो इससे बी एड की अभ्यर्थी प्रभावित न हो तो हम लोग को इंतज़ार करना ही पड़ेगा जुलाई के तीसरे सप्ताह तक उससे पहले कोई भी उपाय नहीं है बी को लेकर क्या डिसीजन आता है ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है हम लोग को भी इंतज़ार करना पड़ेगा आप लोग को भी इंतज़ार करना ही पड़ेगा तो फिर ठीक है हम लोग इंतजार करते हैं अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट में तब तक के लिए धन्यवाद थैंक यू